इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति कोलकाता एवं सकल दिगंबर जैन समाज दक्षिण हावड़ा, सहयोगी संस्था राजुल महिला मंडल, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज बृहत्तर कोलकाता। जय जिनेंद्र। दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको अवलोकन कराएंगे भव्य पिचिका परिवर्तन समारोह एवं दीक्षा दिवस की मंगलकारी झलकियों का। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के फोरशोर रोड स्थित विवेक विहार क्लब हाउस में परम पूज्य आचार्य श्री 108 शीतल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 3 से 10 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव के अंतर्गत 6 नवंबर को भक्तों ने भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर का पिचिका परिवर्तन समारोह एवं दीक्षा दिवस मनाया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी आनंद लेते हैं समारोह के पावन दृश्यों का। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के फोरशोर रोड स्थित विवेक विहार क्लब हाउस में 3 से 10 नवंबर 2022 के मध्य श्री 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शीतल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह एवं दीक्षा दिवस आयोजित हुआ। समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को पांडुकशिला पर विराजमान किया। प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ श्रावकों ने प्रभु के शीश पर कलश दुड़ाते हुए अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। ॐ ह्रीं नमो यन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायानं, नमो लोहि सव्यसाहुनं, चत्तारि मङ्गलं, अरिहन्तामङ्गलं, सिद्धालोकोत्तमं, सिद्धालोकोत्तमं, साहोलोकोत्तमं, केवलीपर्णतोदमोलोकोत्तमं, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रभ्य नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षणाशेष दोषकल्मषाय देवी तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वमृत्यु विनाशनाय सर्वपुरुषद्रुपद्र विनाशनाय सर्वशामणामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं रः असियाऊसा सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम रूम जुम पट किरडम किरडम गाते गाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सहस्रकंडान कुरु कुरु परमंत्रान चिंचिंद परमंत्रान। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु एवं गुरुदेव के समक्ष अर्घ समर्पित कर नमन वंदन किया। पुष्टि कराए श्री निष्पादी 24 तीर्थंकर अष्ट वरक अरहंत आदि पंच पद दर्शन ज्ञान चार से चतुर्निकाय देव चार प्रकार के अवधि धारक श्रमण अश्री स्वयं दिशी चार सूर्य तीन ह्रीम अरहंत बिम दस दिक्पाल यंत्र संबंधी परम देवाय अर्घवनिपाम तेज। अभिषेक की सभी क्रियाएं करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर दिशा शुद्धि, पंच परमेष्ठी की स्थापना आदि मांगलिक क्रियाओं के साथ श्री 1008 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पूजन किया। स्वस्ति क्रियासं मधुर श्रीवंत अक्ष
ऋषिने संवास महानिसाचन स्तिकर्ष योना स्तिक्रिया सो परमर्ष योना सब नश्वर है माया जिस तन में हो रहता जन भंगुर शरण आया शरणाय दो जगिरा में मैं को निखड़ा निर्बल बस तेरा शरण लिया प्रभु वरला चार रहा विंदन की औषधि खा। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शीतल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्तों ने संगीत बद्ध स्वर लहरियों के साथ विधान का भरपूर आनंद उठाया। उपाध्याय पद है तुम नासे गुण परचित ज्ञान पर काजे विष्णाई से गुणों पे नारे आदु पद की महिमा रे महाप्रिय जिन धर्मायु का विधान के दौरान कार्यक्रम स्थल का वातावरण काफी मनोरम बना रहा है। भजनों पर भक्ति कर पूजन कर रहे श्रावक श्राविकाएं धर्म लाभ में मग्न दिखाई दिए। ओम ब्रीम रमष्टु त्रस्तस नाम दरार परमिष्टि नमः। 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 ओम ब्रीम रमष्टु त्रस्तस नाम दरार अरत परमिष्टि नमो नमः। स्वाहा इतना रे जाते अंतिम प्रदे गुजम छठ सिंधु का कर रे पश्चिम हाजिर रे ता मूर्ति का भूलो किया डर रे जन बोल के बाधा आत्मगत के बनते अनुसुखो प्रक्रिया चित्ता तब के बनते भाद सभी हो भगवन की नाधिक से रहित हुए अन्य द्रव्य और उपेक्षा चल प्रभु अनुभव अतिशय समित हुए मेरे थोड़े से भगवन सत्ता निगरा काम नहीं तेन सुमनाओ शिव आदि आरोप चुका राम नहीं आदिन का रही नहीं संयम से सिद्ध सिद्ध प्रभु की पूजा करके मेरा मन आनंदित है 128 गुणों की ये जयमाला अर्पित है उत्तम मंगल विधान पूजन की सभी क्रियाएं करने के बाद समाज के बालकों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से भक्तों को आनंदित कर दिया। ये धर्म है वो जहाँ वृषभ देव और आदि प्रभु हितकारी तीर्थंकर महावीर प्रभु गुरु गौतम जय जयकारी गौतम जय जयकारी
जहाँ कहीं भवि जन शिव पद पाए काटे भव का फेरा। डगर डगर पर धर्म अहिंसा का बनता है डेरा। मेरा वही जैन धर्म है मेरा। जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। बालकों की प्रस्तुति के बाद श्रद्धालुओं ने एक ओर दीप प्रज्वलन किया तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ससंग विराज मंदिर के पावन चरणों में अनिर्वत प्राप्त दिव्य अर्घ्यम निर्वभामिधि। ज्योति से ज्योति जलाते चलो कर्म की गंगा में कहानी मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी। ओ मेरे गुरु उपकार करो गीतों को सदा तेरे गाता रहो मुझे जन्म जन्म तेरा प्यार मिले मैं यूं ही सदा मुस्कुराते रहो। दिलवानी माता रखना जहां जिनवानी लागे गुरुवानी लागे ओ मन में प्यारो प्यारो गुरुवर थारी वानी लागे ओ मन में प्यारो प्यारो आज सभा में मैया तोहे पुकारे आज सभा में मैया तोहे पुकारे। जय जिनवानी माता रखना जा हमारी जय जिनवानी माता। गुरु के आशीष के साथ ही भक्तों ने गुरु भक्ति में मग्न होकर शुभ तत्वों से गुरुदेव का पूजन किया और दीक्षा दिवस मनाया। भक्ति करने वाले किसरिया भक्ति करने वाले किसरिया केशरिया केशरिया आज हमारे हृदय केशरिया 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 आज हमारे हृदय केशरिया। हमें रख लेना गुरुदेव तेरी दरबारी में हमें रख लेना गुरुदेव तेरी दरबारी में। निर्मल भाव के चरणों में दुख चढ़ाने आए भाव की सच्चता पाने दिल दीवाना होगा दिल दीवाना हो गया है अड़ दीवाना हो निर्मल मन की गुरु चरणों में तुम चढ़ाने आए हे माओ की पिछता पाने हारा गाते हैं। जो विजय जी मीना जी जैन हैं वो ये उनके भक्त हैं।
और मैं इनका भक्त हूँ। पिछले साल शिखर जी में विश्व सागर जी महाराज का चतुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तभी से मेरे को लगता है कि विशुद्धि कुछ बढ़ गई। और दीपक भैया की इच्छा थी कि शीतल सागर जी महाराज का चतुर्मास और विशा श्री माता जी का चतुर्मास कलकत्ते में हो। संतोष भाई जी ने अध्यक्ष बन करके हम लोगों को गौरवान्वित किया है। दयाचंद भाई जी को आप जानते हैं, इतने सालों से मुनि संघ के साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी पांड्या भाई साहब जितने कलकत्ते में विहार हुए हैं, भाई जी और भाभी जी को जहाँ देखेंगे वहीं मिलेंगे। सम्यक ज्ञान के सागर में जो लोग रहते हैं, सम्यक चारित्र की जो विभूति है वो जैन समाज को देते हैं। करुणा का एक अद्भुत रूप है, वात्सल्यता भरी पड़ी है और ये दर्शाता है आज जो यहाँ पर हमारा पूरा न सिर्फ बंगवासी समाज, पूरा बहत्तर कलकत्ता समाज है, ये गुरुदेव की करुणा है, गुरुदेव का वात्सल्य है, गुरुदेव के प्रति लगाव है। ऐसे गुरुदेव को हमारा, हम सबों का, पूरे मुनि संघ का, हमारे पूरे बंगवासी समाज का, कलकत्ता बहत्तर। पूजन के साथ ही भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतार कर दीक्षा दिवस का आनंद उठाया। हो तुम शेरा आज तारे आरती उतारो, शीतल सागर जी महाराज जय हो। सागर से दीक्षा मन कर मुनि जब पाई थी दीक्षा, करने चले हो कल्याण। समारोह के मध्य में पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों को गुरुदेव के कर कमलों से श्रीमती ललिता, श्री अशोक, नेहा अभिषेक, सनाया, समायरा पहाड़िया परिवार को पहला मंगल कलश, श्रीमती अनीता, श्री कमल, नेहा विशाल, पवन, ईशानाई कला परिवार को दूसरा मंगल कलश और श्री धनलाल जी, श्री भागचंद जी काला, जेके मसाला परिवार को तीसरा मंगल कलश प्राप्त किया। कार्यक्रमों की श्रृंखला में फिर वह अवसर आया जिसका समारोह में बैठे सभी भक्तों को काफी समय से इंतजार था। वह अवसर था गुरुदेव के पिच्छिका परिवर्तन का, जिसमें सर्वप्रथम मुनि श्री प्रशम सागर जी महाराज को मुर्शिदाबाद युवा भक्त मंडल ने नवीन पिच्छी भेंट की। साथ ही मुनि श्री की पुरानी पिच्छी श्री लुणकरण जी, लक्ष्मी देवी, सोनू सोनम, नौतिक पाटनी को प्राप्त हुई। किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुझसे प्यार। वहीं पूज्य आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज को श्री विकास रोशनी जी हजारीबाग को नवीन पिच्छी भेंट की। साथ ही आचार्य श्री की पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य श्री निर्मल जी, रविंद्र जी, धर्मेंद्र, जितेंद्र, पवित, रियांश, जेश छाबड़ा परिवार को प्राप्त हुआ। कोई जान न पाया पीछे और कमंडल का ये, पीछे और कमंडल का कैसा संयोग मिला है। गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना।
इसी मंगल अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 शीतल सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से पिच्छिका की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए भक्तों को बताया कि पिच्छिका परिवर्तन समारोह मन को परिवर्तन करने का अवसर है। पिच्छिका परिवर्तन समारोह अपने मन का परिवर्तन करने का दिवस है और पिच्छी परिवर्तन समारोह में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं और पिच्छिका के विशेषता को आप जानते ही हैं कि जैनाचार्यों ने कहा है कि जो दिगंबर मुनिराज अहिंसा सत्य आचार्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि श्रेष्ठ व्रतों का पालन करते हैं, ऋषि परंपरा में जैन मुनि की एक अपनी मुद्रा है, अपनी पहचान है, क्योंकि मुद्रा सर्वत्र मान्य रही है। फिर चाहे वो शासक वर्ग हो, धार्मिक वर्ग हो अथवा व्यापारी वर्ग हो, मुद्रा सर्वत्र मान्यता को प्राप्त है, मुद्रा को सर्वत्र पूज्यता मिली है। सभी धर्म संप्रदायों में साधकों की अपनी अपनी पहचान है, लेकिन दिगंबर साधक की मूल पहचान कर पात्री और पद यात्री है। कर पात्र में आहार लेते हैं, पद यात्रा कर लेते हैं और पद यात्रा करने के लिए अहिंसा व्रतों का पालन करने के लिए उनके हाथ में मयूर की पीछी बहाल की जाती है। यह मयूर की पीछी मुनिराज का अलंकार है, सौंदर्य है, श्रृंगार है। पीछी का रहित मुनि होते हुए श्रृंगार रहित माने जाते हैं। संयम का पालन करने के लिए पीछी, ज्ञान गुण का विकास करने के लिए, ज्ञान आराधना करने के लिए शास्त्र और बाह्याभ्यंतर शुद्धि के लिए कमंडल का साधु प्रयोग करते हैं। जहां जहां जो जो अध्ययन करना है वहां वहां पहुंचकर उसी मंदिर में वो शास्त्र तो मिलते हैं, कमंडल गुरु के द्वारा दिया जाता है। साल भर में बदलने की परंपरा तो जैनागम में नहीं है। चाहे लकड़ी का कमंडल होता है अथवा नारियल का होता है, टूट फूट जाता है तो बदल सकते हैं, वरना कमंडल बदलने की पद्धति जैनागम में बताई नहीं गई है। मात्र पीछी का परिवर्तन है वह साल में एक बार जरूर होता है। यह पीछी का परिवर्तन एकांत रूप में भी हो सकता है और सामाजिक रूप में भी हो सकता है। भाई जी बोल रहे थे बार बार महाराज पिच्छी का परिवर्तन करना है। मैंने बोला था क्या पिच्छी परिवर्तन होता है, चौके में पुरानी पिच्छी लेना है, नया पिच्छी देना है, हो गया पिच्छी परिवर्तन। इसके लिए आयोजन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी समाज की व्यवस्था है, समाज में जहां साधु चतुर्मास करते हैं और चतुर्मास की सफलता को प्रदर्शित करने हेतु पीछी परिवर्तन समारोह होते हैं। पीछी परिवर्तन दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, उसमें पात्रों को पीछी दी जाती, पीछी ली जाती है। पीछी की विशेषता होती है मूलाचार ग्रंथराज में आचार्य भगवान भट्टकेर स्वामी जी ने कहा है कि पीछी धूली पसीना को ग्रहण नहीं करती, पीछी मृदु होती है, सुकुमल होती है, हल्की होती है, इसलिए मयूर पंखों की पीछी प्रशंसनीय मानी गई है। जो मयूर के पंख होते भले आंख में भी जाए तो आंख में कोई पीड़ा नहीं होती है, इसलिए जीवों को कोई बाधा ना हो जाए इसलिए मयूर के पंखों की पीछी ही यूज की जाती है, अन्य तो पक्षी बहुत है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद जैन समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने गुरु चरणों में समर्पित शानदार प्रस्तुति दी। सब पे उसके आसमान से देखो कैसे भाव सजाए, संयम संयम धुन मचाए। ओ खेल खिलौने छोड़ के उसने संयम की राह चुनी, कोमल सी है काया, प्रभुवर की है माया, संयम लेने आया। चलो 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 देखे हम उसे, चलो चलो जय हो बालवीर की।
एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव, एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश, एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव, एक दिन रख दूंगा मैं संयम पथ पे पाँव, संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे और कमंडल का ये, और कमंडल का कैसा संयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। बच्चों की प्रस्तुति के बाद एक बार फिर भक्तों ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर गुरुदेव एवं प्रभु की आरती उतारी। इसलिए बाबा थारी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, आज चम चम आरती के बाद कार्यक्रम स्थल पर संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सर्वप्रथम महिला मंडल द्वारा सुंदर नृत्य प्रस्तुति पेश किए गए, तो वहीं सौधर्म इंद्र सभा तीर्थंकर कल्याणक का नाटकीय भी किया गया। नगरी में ऐसा एक गुलाब है,
हित करो दुख संकट हरो नाटकीय मंचन के बाद कमेटी के पदाधिकारियों ने गुरुदेव के चातुर्मास 2022 के दौरान होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में अपने भाव कुछ यूं व्यक्त किए। इस साल बंगवासी में क्लब हाउस में आचार्य श्री शीतल सागर जी महाराज सत्संग का चतुर्मास हुआ। चतुर्मास बहुत ही भव्य से भव्य रूप में संपन्न हुआ। इस चतुर्मास के दौरान 48 दिवसीय भक्तामर विधान का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के करीब 250 से लेकर 300 परिवारों ने हिस्सा लिया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा इस चतुर्मास की जो सबसे बड़ी विशेषता रही वो घर घर में चौका लगा, घर घर में आचार्य श्री का आहार हुआ। कम से कम 50 घरों में आचार्य श्री का आहार हुआ। ये अपने आप में कलकत्ता के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। और किसी भी महानगर के अंदर में श्रावकों के घर पे चौका लगे और आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी का पांव उस घर में पड़े, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।
ये इस चतुर्मास की सबसे बड़ी विशेषता लगता है मेरे को रही। और समाज के सभी वर्ग, चाहे वो बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने इस चतुर्मास में सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। और आप जानते हैं कलकत्ते में इस बार दो चतुर्मास हुए, एक बंगवासी में आचार्य शीतल सागर जी महाराज का और काकुरगाछी में विशाश्री माता जी का। और ये कहना मेरे को लगता है कि यह तो संयुक्त नहीं होगी कि दोनों ही चतुर्मास इस बार खूब धूमधाम से मनाए गए। इस बार मुनि संघ व्यवस्था समिति भी नई समिति बनी थी और उसमें ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो बंगवासी के और काकुरगाछी के ही हैं, कलकत्ते के दूसरे समाज के भी सदस्य उसमें जुड़े हुए हैं। और श्रीमान संतोष जी सेठी सिद्धायतन उस मुनि संघ व्यवस्था के समिति के अध्यक्ष हैं। बाकी के जो पदाधिकारी हैं, श्रीमान संजय जी काला महामंत्री हैं, अशोक जी पांड्या, दीपक जी पाटनी, मनीष जी बड़जात्या, और जो युवा टीम इस बार जुड़ी हुई है मुनि संघ व्यवस्था समिति से, हमारे विजय जी सरावगी, सुरेंद्र जी पाटनी, धर्मेंद्र जी छाबड़ा, अनिल जी पाटनी, और भी बहुत से नाम हैं, सब नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन सभी युवा कार्यकर्ताओं ने बहुत ही ऊर्जा के साथ काम किया। और मेरे को लगता है कि इस चतुर्मास को सफल बनाने में उन सबकी मेहनत थी, आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आगे भी हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा और धर्म की प्रभावना इसी तरह से आगे होती रहेगी। जय जिने। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भव्य पिछी का परिवर्तन समारोह एवं दीक्षा के गुरु भक्ति से ओतप्रोत दृश्य। इस समारोह में भक्तों ने बड़े ही भक्तिभाव के साथ परम पूज्य आचार्य श्री 108 शीतल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशम सागर जी महाराज को नवीन पिछी का भेंट कर एक ओर जहां अपने जीवन को धन्य बनाया तो वहीं दूसरी ओर गुरुवर की पुरानी पिछी प्राप्त कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी मंगल भावना के साथ दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवानी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति कोलकाता एवं सकल दिगंबर जैन समाज दक्षिण हावड़ा, सहयोगी संस्था राजुल महिला मंडल, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज बृहत्तर कोलकाता।